हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हम शेंगन वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली मैं यूरोप में घूम के आया हूँ। मैं ऑस्ट्रिया गया, जर्मनी गया, जहाँ पे मैंने वियना सिटी को घूमा और बर्लिन में भी मैंने घूमा और आसपास की कुछ सिटीज़ मैंने कवर करी। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर उनके पास ऑलरेडी यूके का वीज़ा है तो क्या उनको और किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, या फिर अगर आप एक इंडियन हो और आप यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको कैसे कौन सी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रैवल कर पाओगे। सो इसी सब चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखो, अगर आप एक इंडियन हो, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या फिर एज अ स्टूडेंट यूके में रह रहे हो, तो आपको यूरोप में ट्रैवल करने के लिए शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो शेंगन वीज़ा जो होता है ना, वो मैं कहता हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट यूके में ऑलरेडी हो तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप अप्लाई कर दो, क्योंकि यूके से यूरोप में ट्रैवल करने की जो फ़्लाइट टिकट्स होती हैं वो 20-25 पाउंड्स की होती हैं। बहुत ज़्यादा सस्ती होती है वन साइड, और यही फ़्लाइट टिकट्स आप अगर इंडिया से बुक करते हो, अगर आप वापस चले जाते हो, तो वो आपको 30-40 हज़ार रुपये की पड़ सकती हैं एक साइड की। तो पैसे बहुत बचते हैं अगर आप यहीं से ही ट्रैवल करो। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप यूके से ट्रैवल करो। तो शेंगन वीज़ा होता क्या है? तो अगर आपको यूरोप में ट्रैवल करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, शेंगन वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना होता है। और यूरोप में एक शेंगन रीजन होता है जिसमें आई थिंक 27 कंट्रीज़ उसका पार्ट होती हैं। तो अगर आपको एक कंट्री से शेंगन वीज़ा मिल जाए तो उस शेंगन वीज़ा के बेसिस पे आप उन सारी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी आइटिनरी बनाई 10-15 दिन घूमने की, तो उन 10-15 दिन में आप शेंगन रीजन में अगर घूमना चाहो तो पेरिस भी घूम सकते हो, बेल्जियम में भी जा सकते हो, जर्मनी भी जा सकते हो, ऑस्ट्रिया भी जा सकते हो, बुडापेस्ट भी जा सकते हो, जो भी एरियाज़ शेंगन रीजन में आते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक इमेज दिखाऊँगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से रीजन्स हैं जिससे अगर आप वहाँ का शेंगन वीज़ा ले लो एक कंट्री का, तो वीज़ा फ्री आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। और देखो, शेंगन वीज़ा से ना आपको क्या कहते हैं, 90 डेज़ की एक्सेस मिलती है। तो अगर आपको शेंगन वीज़ा मिलता है तो एक कंट्री में आप अप टू 90 डेज़ रह सकते हो, और उस टाइम के दौरान आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में भी चले जाओ और चाहे वहाँ से एग्ज़िट लेके वापस अपने होम कंट्री आ जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इन कंट्रीज़ के बीच में आपको वीज़ा की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मेरे को लगता है जो स्टूडेंट्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और आसपास की कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, जो शेंगन रीजन के अंदर जिन कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, उनका एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि वो बिना किसी वीज़ा के इन आसपास की कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। बट यूके के साथ ये सीन नहीं है। अगर आप यूके में एज अ स्टूडेंट आए हो तो आपको शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, अब देखो इस वीडियो में पूरी प्रोसेस में डिटेल में तो नहीं समझा पाऊँगा, बट हर एक स्टेप के लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ और आपको समझाऊँ कि कैसे आप खुद शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी ट्रैवल एजेंट। तो सबसे पहले देखो, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है अपॉइंटमेंट मिलना। तो जैसे कि आपने इंडिया में यूके आने के लिए वीज़ा अप्लाई करा होगा, या फिर आप जनरली वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आपको VFS ग्लोबल जाना होता है। तो हर कंट्री का ना एक ये थर्ड पार्टी के साथ टाइप होता है। तो काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अगर आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो वो VFS ग्लोबल से भी हो जाता है। जर्मनी का यूके में TLC होता है एक, उनके थ्रू होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने VFS ग्लोबल में ही जाके अप्लाई करा था, लेकिन ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करा था एंड ऑस्ट्रिया के वीज़ा के बेस पे मैं फिर जर्मनी भी घूमने गया था। तो सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट देखो, मुश्किल होता है थोड़ा मिलना, आपको बार बार हर दिन जाके चेक करना होता है पोर्टल पे कि किस दिन की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, कब अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हो रही हैं। और जैसे ही आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसको फटाफट से आपको बुक कर लेना, और उसके कुछ आपके पैसे लगते हैं। आई थिंक 70-80 पाउंड आपके अपॉइंटमेंट के बुकिंग के लगते हैं, आई थिंक 50 लगते हैं टोटल। आपकी एप्लीकेशन में जो खर्चा आता है वो 100-125 पाउंड्स का आ जाता है, अपॉइंटमेंट बुकिंग से लेके डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम तक, डिलीवरी चार्जेस सब मिला के 100-125 पाउंड्स में आपका हो जाना चाहिए सारा। खैर, अपॉइंटमेंट जैसे आपने बुक करा ली तो उसके बाद आता है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेप करना। अब शेंगन वीज़ा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इट्स मैंडेटरी कि आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स और अपनी होटल की बुकिंग उनको दिखाओ।
फ्लाइट टिकट्स आपको असलियत में बुक करानी पड़ेंगी, डमी टिकट्स मैं कभी खुद कराता नहीं हूँ, कुछ लोग कराते हैं तो वो आप देख लेना आपको रिस्क लेना है कि नहीं, कभी कभी उसमें रिजेक्शन आ जाता है कुछ लोगों का। बट फ्लाइट टिकट मैंने रायन एयर से बुक कराई थी तो वो बहुत सस्ती होती है, रायन एयर की बजट एयरलाइंस है। अगर आप यूके से ट्रैवल कर रहे हो यूरोप में तो वो आप देख सकते हो। और होटल बुकिंग के लिए मैंने booking.com से कुछ बुकिंग कराई थी जिसको आप बाद में कैंसिल भी कर सकते हो अगर आप फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग करा रहे हो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन टर्म्स ऑफ होटल बुकिंग। एंड उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रेप करने होते हैं, उसमें आपको पासपोर्ट, अपना करंट रेजिडेंट परमिट, इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। और आपके डॉक्यूमेंट प्रेप जब हो जाते हैं तो आपको जाना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके बाद वेट करना पड़ता है अपने डिसीजन का। अब इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि कुछ कंट्रीज़ जल्दी डिसीजन दे देती हैं, कुछ कंट्रीज़ लेट डिसीजन देती हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया में मेरा पॉजिटिव डिसीजन आ गया था 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, मेरे घर पे डिलीवर भी हो गया था वीज़ा के साथ मेरा पासपोर्ट। लेकिन डेनमार्क मैंने सुना है वहाँ पे अप टू पता नहीं 2-3 महीने कुछ लग जाते हैं डिसीजन आने में, तो आप हो सके तो ये भी देख लेना कि कौन सी कंट्री में जल्दी डिसीजन आ सकता है। ऑस्ट्रिया का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है तो आप ऑस्ट्रिया ऑप्शन भी देख सकते हो अपने लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपको कवर लेटर भी बनाना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं शेंगेन वीज़ा के लिए कवर लेटर। एक बार आपका डिसीजन आ जाता है उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको अपनी तैयारी करनी है और फ्लाइट के लिए जाना है। अब अगर आप रायनेयर जैसी फ़्लाइट ले रहे हो ना तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आप बेसिक टिकट कराते हो सबसे सस्ती वाली, उसमें ना लगेज अलाउड नहीं होता, बस एक बैकपैक अलाउड होता है। और अगर आप कुछ दिन के लिए जा रहे हो तो आपको लगेज भी चाहिए होगा, तो आपको लगेज अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। और रायनेयर में ये भी चीज़ देखने वाली है कि आपको अपना बोर्डिंग पास, क्या कहते हैं, चेक इन पहले करके और प्रिंट करा के एयरपोर्ट लेकर जाना है। ये मत करना कि एयरपोर्ट में जाके चेक इन करा लेंगे, उसके £50 एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और आपको अपने बैग के डायमेंशंस भी देखने हैं, अगर आपका जो बैकपैक है वो सीट के नीचे नहीं आया, फिट नहीं हुआ, तो उसके भी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, 40-50 pounds। और अगर आपका लगेज ओवरवेट होता है और एक्स्ट्रा लगेज आपको लेना पड़ता है तो उसके भी बहुत पैसे। सो लगेज वाली चीज़ आपको ध्यान से सॉर्ट करके जानी है और चेक इन टाइम से कराना है ताकि आपकी प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो और आपको एक्स्ट्रा पैसे बांध भी ना देना पड़े। बट ये चीज़ भी ना एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करती है। अगर आप इंडिया से ट्रैवल करोगे तो वहाँ से तो रायनेयर चलती नहीं है, बट अगर आप यूके से ट्रैवल कर रहे हो और आपको 20-25 pounds में टिकट्स चाहिए दूसरी कंट्री जाने की, तो वो रायनेयर से पॉसिबल है। उसके अलावा और भी कुछ हैं वेबसाइट्स, बट वो आपको स्काई स्कैनर पर मिल जाएगी कौन सी फ़्लाइट्स चल रही हैं उस टाइम। एंड अगर आपको कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल करना हो यूरोप में तो आप फ्लिक्स बस से भी अपनी बस टिकट्स करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रिया से जर्मनी बस में गया था क्योंकि मेरे को देखते हुए जाना था कि लैंडस्केप्स कैसे चेंज होते हैं, तो पूरी बस जर्नी में मैंने देखा कि ऑस्ट्रिया से जर्मनी का पूरा रास्ता, और बीच में प्राग भी आया था जिसको मैं बिल्कुल बीच में से देखता हुआ गया, तो एक तरह से मैंने 3 countries देख ली अपनी एक ही ट्रिप में। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में सारे स्टेप्स समझाऊंगा, बट दिस वाज मोर लाइक एन ओवरव्यू वीडियो जिससे आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें समझ आ जाएँ। एंड आई वुड रिकमेंड अगर आप यूके में एज अ स्टूडेंट हो, ट्रैवलिंग टू यूरोप शुड बी अ पार्ट ऑफ योर बकेट लिस्ट बिकॉज इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर सुंदर जगहें मैंने देखी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद योर फ्यूचर एप्लीकेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स अबाउट शेंगेन वीज़ा एंड अदर टॉपिक्स। टेक केयर, बाय।